स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। ये सिंपल सा हमने देखा था मैनी फॉर्म्स कैसे होते हैं, इसको हमने डिटेल में समझा रखा है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देख रखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो उसे प्लीज देख लीजिए, इसके बाद इस टॉपिक को आप देखिए। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, या फिर आप बोलते हैं जिसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, यही हमारा एग्जाम्पल होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर के अंदर, सेपरेट लेक्चर के अंदर। इससे पहले सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो दोनों होते हैं, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के क्या है, एग्जाम्पल है। सेकेंड क्या होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग होता है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होता है, एग्जांपल होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर उसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसमें फंक्शन ओवरराइडिंग किस प्रकार से काम करता है। इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल के साथ। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सिंपल सा हमने ये देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर